सिर्फ 10 मिनट में बाजार जैसी रसीली जलेबियाँ बनाने के लिए एक बोल लेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से जलेबियाँ आपकी क्रिस्पी बनेगी। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कर्ड यूज़ किया है, कर्ड थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को मिक्स करेंगे। बैटर पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे और एक साइड में रख देंगे। अब चाशनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप शुगर डालेंगे और 1 कप ही हमें यहाँ पानी का यूज़ करना है। 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और चाशनी में उबाल आने देंगे। चाशनी में उबाल आने के बाद उसे 5 मिनट के लिए हमें और पकाना है। अब चाशनी में थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस ऐड करने से चाशनी हमारी जमेगी नहीं। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जलेबियाँ तलने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें घी डाला है। मैं घी में जलेबियाँ बना रही हूँ। बैटर में 1 चम्मच इनो डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। यहाँ मैं जलेबियाँ बनाने के लिए पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। पॉलीथीन में थोड़ा सा बैटर डालेंगे और एक रबर बैंड लगा देंगे। अब उसे कट कर लेंगे। जलेबियाँ तलने के लिए मैंने पहले घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके जलेबियाँ डालना शुरू करेंगे। अगर ठंडे घी में डालेंगे तो जलेबियाँ चपटी हो जाएगी, इसीलिए ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। एक तरफ से जलेबियाँ सिक जाने के बाद में उसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे। जलेबियाँ हमारी दोनों तरफ से लगभग सिक चुकी हैं। अब उसे चाशनी में डालना है। ज़्यादा देर हमें चाशनी में नहीं रखना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए चाशनी में डिप करके रखना है और निकाल लेना है। ज़्यादा देर रखेंगे तो जलेबियाँ सॉफ्ट हो सकती हैं। इसी तरह से और जलेबियाँ बना लेंगे। मार्केट जैसी रसीली जलेबियाँ रेडी है।